होटल में भी नहीं मिल सकता संदीप। ठीक है शुरू करो कार्यक्रम फिर आ जाओ, कहीं भी लेके हम घूम सकते हैं ना संदीप भाई, पर जान जाओ यही आदमी है वो। दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं भाई, क्या मेरा भी भला हुआ भाई मेरे पास ना ना भाई बुक है। क्या नाम है? हैरी पॉटर बना के चला जाता है। बैठ दो ना, कुर्सी दे दो ना, इतना हो सके हम गरीबों की हेल्प करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में बना है बहुत ही कमाल का ऑमलेट संदीप भाई और सूरज भाई ने। तो मैंने ना आंटी को ये बात बोली है कि आंटी आप क्या करो कि ना बच्चों को ना आंटी कंबल में ना रैप कर देती है, जैसे बच्चे सो गए रैप करते, बच्चे डायपर नहीं पहनाते हैं बच्चों को, तो बच्चे सुसु कर देते हैं, फिर ब्लैंकेट रोज धोने पड़ते हैं। तो मैंने बोला बच्चों को ना सारे ये सूती कपड़े हैं वापस पूरे भरे हुए, तो बच्चों को सूती कपड़ों में रैप करा, नीचे गुदड़ी बिछाई और फिर हम ऊपर ब्लैंकेट डालेंगे। सही बोला प्राची? हां बिल्कुल सही। ताकि जो हमारे सूती कपड़े ना धूप आ जाती है जल्दी सूख जाते हैं। इधर मैंने गाइस रख दिए सारे ए टू जेड लंगोट और ए टू जेड पजामिया। तो गाइस ये वाला घर आपने पहले भी देखा होगा, तो यहाँ पर सूरज भाटिया हमारे ऑमलेट किंग है। और सूरज कह रहा है कि जिंदगी में अगर कुछ हुआ या ना हुआ पर मैं ऑमलेट की दुकान जरूर खोलूंगा एक बार। ये बहुत खतरनाक ऑमलेट बनाते हैं, देखो 36 तरह के। मैं कह रहा हूँ ये ना होटल में भी नहीं मिल सकता संदीप, 36 तरह के ऑमलेट अलग अलग बिल्कुल वैरायटी, साफ सुथरा भी बहुत बनाते हैं ना, ऐसे लजीज टाइम देते हैं ना दिल से। तो आप देख लो गाइस ये वाला ऑमलेट और ये वाला ऑमलेट दोनों, जो मैंने खाया था वो वाला ऑमलेट, मतलब बहुत ही कमाल के ऑमलेट, दिल खुश हो गया। अगर किसी होटल में होती तो मैं इसको टिप भी देता 5-10 हजार। तो जब भी मैं दिल्ली पहुंचता हूँ ना, जो हमारा भाई है संदीप भाई, वो सेवा में इतनी सारी चीजें हाजिर कर देता है, फ्रूट सब कुछ, मतलब भाई हो तो है। और मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोगों पहले बता चुका हूँ, संदीप भाई मेरे चाचा के लड़के हैं, मुझसे 1 साल बड़े, और हम बचपन में इतनी मस्तियां की। 3 महीने। अच्छा। तो गाइज अभी ना गोलू की कॉल आई और जैद हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत खराब है, शायद उसको कोल्ड हो गया है। क्योंकि ना क्या है ना, जिस रूम में वो सोते हैं ना उस रूम में बाहर वाली खिड़की है, और आपको पता है 14th फ्लोर पे थोड़ी बहुत हवा आई है, उससे उसको ठंड लग गई। तो भैया यहाँ पर दोबारा से कुछ तरीके से कुछ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बंटी को चाय वाय बनाना, बंटी चाय बनाने आती है, तो बंटी को चाय बनाने आती है, तेरे को रोटी बनाने आती है, सब कुछ बनाना। हाँ भाई सूरज भाटिया फिर क्या लग गया? फ्रूट काट रहा हूं। अरे क्या बात है, क्या बात। तो भैया यहाँ पर आ गए मजेदार से फ्रूट, और ये हमारे सूरज भाई जो है ना, ये लगा लो कि ये कलयुग के बड़े भाई हैं। कलयुग के बड़े भाई, कलयुग में ऐसा भाई कहीं नहीं मिलता, कलयुग में ऐसा भाई कहीं नहीं मिलता, यही ना। हाँ। नमक मत डाल भाई, नमक तो डाल दो। अरे नमक जिंदगी में वैसे ही बहुत है, पहले रहने दे। तो कल ना सूरज मेरे डाइटिशियन से बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि जब भी आप फ्रूट खाओ ना, वन टाइम में एक ही फ्रूट खाओ। जैसे आप अंगूर खा रहे हो तो आप अंगूर खाओ, अगर आप पपीता खा रहे हो तो पपीता खाओ, वन टाइम में एक ही फ्रूट खाओ। अब ये तू खाएगा, मैंने अंगूर खा लिया ना। तो गाइस दिल्ली आते ही हमारे पास विदेश से हेयर ड्रेसर आया, ये देखो ये सामान आ गया सारा, ये लड़का यहाँ खड़ा है। ठीक है शुरू करो कार्यक्रम फिर आ जाओ। तो अभी हमारा हुलिया चेंज करने वाला बंटी भाई, शुरू करो कार्यक्रम, ऐसा बना दो ना जाने कैसा। तो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, कभी मैं बीमार पड़ रही हूँ, कभी हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब जो हमारा जैद है ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ऐसे तो गोलू डॉक्टर को दिखा के आई है, डॉक्टर ने बोला है डोमस्टोल ना, डोमस्टोल जब भी आपको लगे ना पेट में दर्द है, रो रहा है बच्चा, तो डोमस्टोल दे दो। कोल्ड की सिनोविन कोल्ड की, और कोल्ड के लिए सिनोविन दी है कि आप इन बच्चों को रोज पिलाओ ना। नहीं रोज वाला ये बोला है कि रोज वाला ना सोडियम नेसल ड्रॉप है, जो गाइस ये रोज देनी है कि बच्चे के सॉल्ट वाटर है, बच्चों के ना नाक में म्यूकस फंस जाता है, तो ये क्लियर करने के लिए दिए। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गए हैं भैया, मैं और संदीप भाई जा रहे किसी काम से, निष्ठा और सूरज जा रहे हैं निशा लांबा के सैलून पे, इसको थोड़ा सा बाल वाल लगवाने। ठीक है भैया यहाँ से हम अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि निष्ठा का दिल्ली आने का रीजन यही था, क्योंकि इसको बाल लगवाने, तो उसको क्या बोलते तुम बाल लगवाने को? हेयर एक्सटेंशन। हाँ वो करवाने थे। चलो बाय बाय यहाँ से। तो संदीप भाई और हम जा रहे हैं हमारी सबसे महंगी गाड़ी स्विफ्ट के अंदर, और सूरज भाई जा रहे हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। तो मैडम आपने ये फर्क कैसे समझा कि आप फॉर्च्यूनर के अंदर जा रहे हो और हम स्विफ्ट के अंदर? तो मैं फिर सेलिब्रिटी हूँ ना। अच्छा तो मैं इसमें काम कर अपना सेलिब्रिटी। हम इसलिए लेके जा रहे हैं छोटी गाड़ी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम स्विफ्ट में जाएंगे। चले तो मैं संदीप भाई को कह रहा हूँ कि भाई तेरी ये वाली गाड़ी मुझे दे दे, क्योंकि ना थोड़ा सा तेल का भी बचत हो जाती है, छोटी सी गाड़ी है, कहीं भी लेके हम घूम सकते हैं ना संदीप भाई। एवरेज कितनी स्विफ्ट? 15-20 की 25 18 की मजे आ रहे हैं, मतलब देख कैसी लग रही है। तो गाइस ये मैंने मंगाई थी अर्बानिक से गोलू के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबी है, मेरे को तो आएगी नहीं, और ये हम तब पहनेंगे जब हम थोड़े और फिट हो जाएंगे। मैंने पहनी थी गाइस, ये मुझे बंद नहीं हुई ना, तो थोड़ा और पतला, अभी तो पतला हूं ना, अभी तो बहुत ज्यादा पेट का एक महीना भी नहीं हुआ पूरा। तो गाइस आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसलिए है कि हम दिल्ली की सड़कों पे घूम तो रहे हैं, यहाँ पे जाम हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि आज है यहाँ पे छुट्टी। संदीप भाई छुट्टी किस बात की? गेस्टेड हॉलीडे है। हाँ तो गाइस बहुत सारे काम निपटा लिए हैं और अब भूख लगी है बहुत ज्यादा, तो मैं गाड़ी में भैया फ्रूट लेके आया था और पपीता
पपीता लेके आया था, थोड़ा सा अंगूर खा लेते, पेट में ना ऐसा हो रखा बस कुछ खा लूं। तो आज मैं डाइट ना घर से ही लेके आया था और इसमें है पपीता और भूख ना बहुत ज्यादा लगी है और अभी जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने, लेके चल रहा हूँ, कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, थोड़े से कपड़े हम भी उठा लेंगे वहाँ से। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए वंश भाई के पास और वंश भाई को आप जानते तो नहीं हो पर जान जाओ यही आदमी है वो। तो भैया आज यहाँ से पूरा ट्रक भर के ले जाएंगे हम कपड़ों का, और क्योंकि पिछली बार उन्होंने हमें बहुत ही खतरनाक कपड़े भेजे थे जो मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो बोली जब भी आप वहाँ पहुँचो तो वहाँ से ट्रक भर के लेके आना कपड़ों का, और हम पहुँच गए। तो वंश भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम बायो में, कॉन्टेक्ट नंबर में भैया तंग मत करना, साथ में सिर्फ कपड़ों के रिलेटेड कॉल करना क्योंकि मैं भी महीने 20 दिन में एक आधी बार आता हूँ ना। बिल्कुल सही बात है, दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं भाई, क्या मत करो, इनको पता है, इनको पता था मैं दिल्ली हूँ। तो भाई शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट और ये कपड़े देख लो सारे मैंने लिए, जूते चप्पल चश्मे वश्मे, मतलब एक महीने का राशन मैंने यहाँ से ले लिया है। तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए और शाम को मिलते हैं। शाम को कहाँ जा रहे हैं ये बताओ, जहाँ मेरा बड़ा भाई बुलाएगा वहाँ पहुँच जाएंगे। भाई का भतीजे का जन्मदिन है चीकू का आज, क्या तो आज हम साथ में पार्टी वार्टी करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बने रहे हमारे साथ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ द्वारका के लिए, वहाँ जाना हमें निशा बहन के पास, निशा लांबा के पास। तो अभी वंश भाई से मैंने जूता मांगा था और इस आदमी ने मुझे ये वाला जूता दिया, कह रहे ये जूता लेके जाओ, इसको कहाँ बर्फ में पहनना है या? नहीं भाई ये आज रात को पार्टी में पहनेंगे हम। अरे नहीं नहीं भैया इसमें तो मुझे लग रहा है मेरे घर चला के बीवी ने कूट कूट के पागल कर देना है। अभी बहुत जल्दी हमारा ट्रिप बन रहा है कश्मीर का, वहाँ पहनेंगे हम। चल ठीक है। तो गाइस इस जूते का प्राइस पूछ लो कितने का, कितने का ये भाई? अरमान भाई के लिए फ्री, वैसे 2 करोड़ रुपए का पूरे पूरे, कोई डिस्काउंट नहीं है? कोई डिस्काउंट मतलब 2 करोड़ क्यों ले रहे हो, इतने पैसे ले क्यों रहे हो वैसे भाई? क्योंकि वन एंड ओनली इन इंडिया है। अच्छा, और मेरे अरमान भाई अगर पहनेंगे तो ऐसी है मेरे भाई के लिए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया का सबसे महंगा जूता हम पहनने वाले हैं इनकी शादी में, मेरी शादी तो हो गई है, दोबारा करवा देंगे। तो गाइस मैंने ना चीकू के लिए मजेदार सा बैग लिया है, क्योंकि ना चीकू जब भी जाता उन्हें बोलता पापा क्या लेके आए, तो चीकू के लिए भाई ने दिया है मजेदार सा तोहफा। बिल्कुल, मेरे छोटे बेटे के लिए, मेरे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, ये बहुत अमेजिंग। बाहर से शॉप दिखाता हूँ आपको, ना थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी जब भी आप यहाँ पे आओगे ना पटेल नगर में, तो आपको थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। तो गाइस ये थोड़ा बाहर की लोकेशन आप देख लो, बहुत ही कमाल का है पिनाकल, और ये भी पिनाकल इन्हीं का है। तो गाइस शॉपिंग वॉपिंग हो गई कंप्लीट, तो भैया अब ऑनदा वे निकल रहे हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि हमें जाम नहीं मिला कहीं भी, पूरा एरिया है खाली। तो गाइस जहाँ पे अभी मैं था ना वहाँ पे मुझे एक दो लोग मिल गए, और मैं अभी शिफ्ट गाड़ी में बैठ ही रहा था संदीप के साथ, तो मुझे कहते हैं अरमान भाई तुम इस गाड़ी में आए हो। तो यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सबसे, कि आदमी की पहचान गाड़ी कपड़ा घोड़ा किसी से नहीं होती, उसके नेचर से होती है, चीजों से होती है। तो भाई संदीप के भाई शिफ्ट गाड़ी थी, हम शिफ्ट में घूम रहे हैं, और मेरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो 2 सीटर मर्सिडीज हर गाड़ी है, हर कुछ है, पारस ही लगा लो, पारस छोटा भाई है, पारस कोई बोल सकता था। तो नहीं यार जो है हमारे पास हम उसी में घूमेंगे, क्या बोलते हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो गाइस जिस चीज का डर था ना वही हुआ, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो हमें फाइनली ट्रैफिक मिल गया है, 20 मिनट का रास्ता था और हमें हो गया पूरा आधा पौना घंटा रोडों पे, और अभी भी 18 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 23 मिनट का जाम इतना है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए, और कहां पहुंचे आप देख लो, चेहरा जाना पहचाना नहीं है, ये चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है, इन्होंने बहुत फंड किए हाथ में चोट खाने के। और यहां पर देखो निशा लांबा के पास कौन आया है आज? निष्ठा, और निष्ठा यहां पे बाल लगवा रही है, तो इसका इंटरव्यू बाद में लेंगे हम, ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की भाई, बहुत मेहनत की। तो ये बताओ तुम, सिर्फ ये बताओ तुमने मेरे चक्कर में काटा? आपके चक्कर में तो किया मैंने, मेरी याद में आपकी याद में काटा मैंने, अरमान भाई आएंगे मैं अपना हाथ काटती हूँ। तो गाइस आज निशा के साथ मुझे कई लोग देख के थोड़ा सा परेशान होंगे, पर मैं बता देता हूँ। देखो क्या ना, जहाँ पे भाईचारा होता है वहाँ कलेश होते रहते हैं, और मेरा इसका झगड़ा छोटा मोटा पहले चलता रहता था। नहीं कभी नहीं चलता रहता, नहीं चलता रहता, नहीं नहीं कभी नहीं चला। मेरी हर मुसीबत में जब भी मेरे पे प्रॉब्लम आई, इनका फोन सबसे पहले आया, क्या हो गया, तूने क्या किया, कैसे हुआ, तो ये हमेशा मेरे। जब भी मैं इसकी वीडियो देखता हूँ ना, तो मैं उसी टाइम फोन करता हूँ, और ये 1 मिनट में कॉल उठाती है, फिर बोलती है जी भाई। मैं बोला क्या होगा तुझे, क्या परेशानी है? एक बार बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चली थी, और मैंने इसको इतना समझाया कि तू मत करा कर ऐसे काम, क्या होता है ना तू अब सेलिब्रिटी बन गई है, तेरी अच्छी चीजें नहीं दिखेंगी, तू अगर किसी को ओए बोलेगी वो दिख जाएगा, तू अगर किसी को प्यार से अपने हाथ से खाना भी खिलाएगी ना वो नहीं दिखेगा, ठीक है? तो अपना बस ये है कि अपना अच्छा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और भाई के साथ मेरा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ, हमेशा साथ खड़े रहे थे और अभी भी हैं, और मुझे पता ही आगे भी रहेंगे, और मुझे गाइड भी करते रहते हैं, वो भी बहुत मुझे हेल्प करते हैं। तो भैया अभी मैं दिखा देता हूँ, लड़की ने बाल लगवा लिए, बेटा पैसे दे दिए? हाँ दे दिए पूरे पूरे, जीएसटी के साथ आया पैसे। चलो ठीक, बाल दिखाओ पीछे से। तो कुछ बोलना चाहोगे आज? आज मैं निशा से मैं पूछ लेता हूँ। हाँ निशा से तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे बाल कभी कोई खराब कर रहा था, कभी कोई खराब कर रहा था, पूरे डैमेज हो गए थे, बट आई फील दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन इंडिया। थोड़ी इंग्लिश गला करो, थोड़ी इंग्लिश में पूछ लेते ना, पंजाबी में तो बहुत बोलते हैं। पंजाबी में ही बोलो, चलो पंजाबी में बोलो। पंजाबी से बोला, सो
मैं लगता कि यह बहुत वधिया सलोन है इंडिया च एंड जिन्हिया भी कुड़ियां देख रही हैं तुसी आके एक बार जरूर सर्विस कराओ क्योंकि मैं तो फुल सैटिस्फाइड है एंड मैं चाहती हूँ कि तुसी भी हो। तो एक बात और बता देता हूँ, बस इतना ही है भाई, इतने पैसे नहीं लिए मैंने। तो एक बात और बता देता हूँ कि सच में बता रहा हूँ, निष्ठा का शूट था 6 तारीख का, तो इसने शूट कैंसिल किया कि मुझे जाना है। निष्ठा ने बोला कि मुझे निशा दीदी के पास जाना है और वहीं से काम करा ना। मैंने बोला था कि वहीं से करा ले, तू परेशान हो गया, या तो एक काम कर बाल उतरवाई दे। फिर ये बोली मुझे वहीं लेके चलो। फिर मैंने बोला चलो यार किसी गरीब का भला हो जाएगा। फिर दिल्ली आएंगे तो मैं निशा से जरूर मिलने आऊंगा। और मैं कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए होटल बुक करवा दे। और इसने होटल नहीं बुक कराया मुझे। मुझे अच्छा लगता है भाई की कंपनी और पॉजिटिव बंदे हैं और हार्ड वर्किंग है वो इम्पोर्टेंट। बस रुलाएगी या पगली। हाँ भाई रोलो। तो गाइस पूरे दिन से घूम घूम के हम हो गए थे पूरे काले। जाते जाते हमारी बेटी आई है और पायल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज। क्या कहना चाहोगे बच्चे? मैं कहना चाहती हूँ पायल दीदी रोई है, वो रोए ना इतना, उनके मम्मा पापा किसी ना किसी दिन उनसे जरूर मिलाएंगे। मैं गॉड से जरूर प्रेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। तो गाइस पिछले ना 3 दिन से चीकू मुझे बोल रहा था कि मम्मा स्कूल में हैरी पॉटर बन के जा रहा है, मेरे लिए ड्रेस ऑर्डर कर दो, हैरी पॉटर बन के जाना है। तो एक्चुअली क्या सैटरडे संडे चीकू को ऑफ होता है, बट अभी क्या गवर्नमेंट की वजह से ना काफी सारी ऑफ मिली थी बच्चों को, तो उसकी वजह से इनका सैटरडे और संडे का जो ऑफ है ना वो मैम ने कर दिया। बोलो। हाँ दीदी कह रही है हेलीकॉप्टर क्या होता है? हेलीकॉप्टर नहीं, हैरी पॉटर। दीदी हैरी पॉटर बन के जाना है उनको। अच्छा, फिर तो फिर मैंने सोचा हेलीकॉप्टर बन के जाना। हेलीकॉप्टर क्या नाम है? हैरी पॉटर बना के चला जाता है दीदी। कार्टून होता है। अच्छा मूवी क्या? फिर ये बोलो ना, मूवी मूवी बन के जाना है। क्या होता है हैरी पॉटर में? एक बच्चा होता है, जादूगर होता है। तो फाइनली गाइस मैंने वो जूता पहना जो इंडिया में अब तक किसी ने नहीं पहना। आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का जूता लग रहा है। और निशा कह रही है एक जोड़ा मेरे लिए भी मंगवा। हाँ भाई मेरे लिए भी मंगवा लो, मजेदार लगा। इसमें तो मेरा पाँव फिट बैठ जाएगा। मजेदार। हाँ एक बार पहनाऊं तेरे को, पहना के दिखाऊं भाई? पहन के चल के देखना तू कैसा लग रहा है तेरे को। तो गाइस देखो मैं तो फुल खतरनाक लग रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले जूते पहन के आज मैं क्लब चला जाऊँ। तू क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर लाए कहाँ से हो ये? अच्छा लाए कहाँ से हो? अब अरमान मलिक बताएगा तुम्हें लाए कहाँ से हो। बताओ यार वही पहनेंगे ना जो किसने नहीं पहना होगा आज तक। तो ऐसी क्या ना मेरी रेड पैंट है, रेड थोड़े से पैच उसके अंदर और रेड टी शर्ट है और बहुत ही कमाल का लगने वाला हूँ आज। तेरे को बनाऊं? नहीं नहीं ठीक है, आप अच्छे लग रहे हो, आप पे सूट करेगा, मैं तो भैंस का पट्टा हो जाएगा। ऐसे मत क्या ना, कुछ लोग ना हमसे भी बहुत मोटे होते हैं, हमसे भी काले होते हैं, हमसे भी आलेटेड होते हैं। तो भगवान ने जो हमें बना दिया ना, आज के बाद में तू खुद अपनी बॉडी शेमिंग कभी करती मिल गई मुझे तो जिंदगी में बात नहीं करूंगा। ठीक है नहीं करूंगी। लोग हैं उनको बोलने दे। तू क्या सोचते, तू पहले बोलने लग जाते कुछ उल्टा सीधा? नहीं बोलना, सब भाई बहन है, सब लोग अपने हैं। आज के बाद तुझे मस्त रहना, बॉडी शेमिंग खुद की कभी नहीं करनी। नहीं करते, कुदरत ने जिसने सुन लिया ना गलती से कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गया तो रोएगी तो पूरी जिंदगी। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर ना एक जूता बना हुआ है जिससे आपका पैर फिट हो जाए और ये ज्यादा हिले ना, ठीक है ना? और बहुत ही फिर कमाल का लगने वाला। अभी निशा को पहना के दिखाता हूं। जिज्ञासा थी तो अभी मैं अंदर काउंट डालने जा रही हूं। ठीक है डाल, बैठ दो ना, कुर्सी दे दो ना, गिर ना जाए ना लड़की हमारी। हाँ जी क्या कहना चाहते हो, कैसे लग रहे थे? कंफर्टेबल तो है ना, कैटवॉक वेरी गुड। अजीब तो नहीं लग रहे? नहीं मजा आ रहा। 1.5 लाख का जूता पहना सलामा ने। हाँ, कोई बात है? और 1.5 लाख तो गोली मारा अरमान मलिक का जूता पहना सलामा ने। तो इंडिया में सबसे पहला जूता तुम्हारे भाई ने पहना है निशा को, तो ये मत बोल देना कि जूता कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है ये नहीं बता सकता मैं, प्लीज। हाँ फिर सारे वहीं पहुंचेंगे और हकीकत बता रहा हूँ ये एक ही पीस था। तो भाई यहाँ पर निष्ठा कह रही है एक बार ये जूता पहन के मेरी एक रील बना दो जिससे मैं रातों रात वायरल हो जाऊँ और उसके बाद लोग ये बोले कि सबसे पहले निष्ठा ने जूता पहना। मैंने बोला कोई बात नहीं, जितना हो सके हम गरीबों की हेल्प करेंगे जितना भी हो सके, ठीक है ना? तो भैया हम पहुंच गए हैं जतिन भाई के घर। जाते बेटा सबके पैरी हाथ लाना, नमस्ते करनी है। तो भैया हम पहुंच गए घर पे और भाभी फुल रेडी है। भाभी ने खाना बनाया कमाल है। क्या बनाया भाभी जल्दी बता दो? राजमा चावल भिंडी की सब्जी और रोटी। थोड़ी सर्विस लेट है बेटे, क्या बनाया घर पे जल्दी बताओ? सच्ची में राजमा चावल भिंडी की सब्जी। सर्विस लेट है, फास्ट बोलना था, फास्ट बोलना था। हाँ जी सर क्या बना खाना? राजमा चावल बस। हाँ बहुत स्लो है। तो कोई बात नहीं भैया, अभी आराम करते हैं, थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं दोबारा दिल्ली के लिए। तो गाइस हर बारी ना भाभी नाराज हो जाते हैं मुझसे क्योंकि ना दिल्ली के इतने काम होते हैं और भाभी कहते हैं तू घर नहीं आता। इनको क्या समझाऊं मैं कि भाभी इतने काम होते हैं, मेरी मजबूरी समझो, पर ये समझ गई है आगे से चाहे मैं आऊं या ना आऊं इनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखो, सेफ रहो और जी से लो।